हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ इंटरव्यू ड्रेसिंग और मैं हूं आपकी कॉर्पोरेट ग्रूमर रुचिका दुग्गल और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट फीमेल एक्सेसरी के बारे में जिसे हम कहते हैं नेक स्कार्फ। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्कार्फ एक इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी है, क्या स्कार्फ आपको इंटरव्यू पर कैरी करना चाहिए, गाइडलाइंस क्या होती हैं स्कार्फ को खरीदने की और रूल्स क्या कहते हैं स्कार्फ को पहनने के। और इसके बाद एज यूजुअल मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बोनस टिप जो आपको हेल्प करेगी आपके एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर जानने में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला टॉपिक है कि क्या स्कार्फ एक इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी है। वेल, अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे ऐसा लगता है कि स्कार्फ एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सेसरी है जो आपकी किसी भी बेसिक ड्रेस के लुक को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है। आप गर्मी, सर्दी, फॉर्मली, कैजुअली किसी भी मौसम में और किसी भी सेटअप में स्कार्फ को कैरी करके अपनी लुक्स को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इसीलिए मैं अपने मैनेजमेंट स्टूडेंट्स और फैशन स्टूडेंट्स दोनों को ही स्कार्फ हाईली रिकमेंड करती हूँ। तो अगर आज तक आपने भी कभी स्कार्फ नहीं कैरी किया है और अब आप स्कार्फ खरीदना चाहते हैं तो अपने स्कार्फ को खरीदते हुए इन बातों का ध्यान रखिए। जब आप अपने लिए स्कार्फ खरीदें तो कॉटन स्कार्फ अवॉइड करिए और सिल्क, जॉर्जेट या फिर शिफॉन स्कार्फ ट्राई करिए। आप रेक्टेंगुलर या स्क्वायर स्कार्फ कुछ भी खरीद सकते हैं। स्कार्फ का साइज डिपेंड करता है कि आप उसे कैसे पहनना चाहते हैं। प्लेन स्कार्फ अवॉइड करिए क्योंकि आपकी शर्ट और ट्राउज़र ऑलरेडी प्लेन है। प्रिंटेड स्कार्फ आपके फेस को अपलिफ्ट करने में हेल्प करता है। प्रिंट्स में आप कोई भी प्रिंट कैरी कर सकते हैं। इंश्योर करिए कि आपका स्कार्फ कलरफुल हो। आप अपनी शर्ट के कॉन्ट्रास्टिंग कलर के स्कार्फ पहनिए। सबसे ईजी टिप याद रखिए कि आपके स्कार्फ में आपकी शर्ट का कलर सबसे कम होना चाहिए, तभी वो आपकी शर्ट के साथ मर्ज नहीं करेगा बल्कि आउटस्टैंड करेगा। आपके स्कार्फ में टैसल्स या फिर थ्रेड्स बिल्कुल नहीं निकलने चाहिए और आपका स्कार्फ अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। आज का नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या इंटरव्यू पर स्कार्फ कैरी करना इम्पॉर्टेंट है। वेल, स्कार्फ कैरी करना या ना कैरी करना प्योरली आपका डिसीजन है, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये बात बता सकती हूँ कि जब आप स्कार्फ कैरी करके इंटरव्यू पर जाते हैं तो ये आपकी प्रोफेशनल लुक में एक स्पाइस ऐड करता है और आपकी पर्सनालिटी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला जाता है। तो अगर आप अपने इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू डे पर स्कार्फ पहनना चाहते हैं तो स्कार्फ पहनते हुए इन बातों का ध्यान रखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है स्कार्फ की नॉट। अपने स्कार्फ को नॉट ज़रूर करिए, उसे खुला मत छोड़िए। अगर आपको स्कार्फ नॉट करना नहीं आता है तो ये आप किसी भी YouTube ट्यूटोरियल से सीख सकते हैं। आप छोटी नॉट लगा सकते हैं पर बहुत बड़े ड्रेप्स अवॉइड करिए। अगर आप बस्टी हैं तो नॉट को अपने बस्ट पॉइंट से ऊपर रखिए और अगर आप अपनी बस्ट में एक साइज ऐड करना चाहते हैं तो नॉट को बस्ट पॉइंट पर रखिए क्योंकि ये विजुअली आपको फुलर लुक देता है। आपके स्कार्फ की लेंथ आपके बेल्ट से नीचे नहीं जानी चाहिए। स्कार्फ के दोनों एंड्स को अनइवन रखिए, ये आपको टॉलर लुक देता है। जब आप स्कार्फ को अपनी शर्ट के अंदर सिक्योर करते हैं तो ये आपको वार्म लुक देता है, इसलिए ये विंटर्स के लिए ज़्यादा एडवाइजेबल है। और जब आप स्कार्फ को नेक में या फिर शर्ट के ऊपर कैरी करते हैं तो ये आपको कूल समरिश लुक देता है। अगर आप स्कार्फ को शर्ट के ऊपर पहन रहे हैं तो इसे अपनी शर्ट के कॉलर के नीचे रखिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने स्कार्फ को आयरन करना मत भूलिएगा। एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द क्लास और वक्त हो गया है टिप ऑफ द डे का। आज के टिप ऑफ द डे में मैं आपके उस सवाल का जवाब देने वाली हूँ जो मेरी बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स मुझसे क्लास में पूछती हैं कि क्या वो स्कार्फ की जगह नेकटाई पहन सकती हैं, और मेरा जवाब होता है नहीं। हालांकि नेकटाइज और स्कार्फ काम सेम ही करते हैं पर फिर भी स्कार्फ आपको फेमिनेंट और स्लीक लुक देता है, इसलिए नेकटाइज को बॉयज़ के लिए रहने दीजिए और आप अपनी लुक्स को स्कार्फ के साथ फ्लॉन्ट करिए। वेल, आई होप द क्लास वॉज यूजफुल। अगर आप लाइफ और करियर से रिलेटेड वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस ना कर पाएँ।